का पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में 3 बच्चे से ज्यादा पैदा करने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है? आपके विकल्प है ए राजस्थान में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी केरल में। आपका सही विकल्प है डी केरल में। का अगला सवाल है, दुनिया के किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी सिंगापुर में, डी अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। आपका चौथा सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प है ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी पृथ्वी ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। आपका सही उत्तर होगा सी पृथ्वी ग्रह। आपका पांचवां सवाल है, भारत के किस शहर की पुलिस सफेद वर्दी पहनती है? आपके विकल्प है ए कोलकाता की, बी चेन्नई की, सी मुंबई की, डी नई दिल्ली। आपका सही विकल्प है ए कोलकाता की। का अगला सवाल है, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? आपका ऑप्शन है ए चीन का, बी कंबोडिया का, सी इजिप्ट का, डी इंडोनेशिया का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया का। आपका अगला सवाल है, किस चीज को गर्म करने पर वह जम जाता है? आपका ऑप्शन है ए बल्ब को, बी पानी को, सी अंडा को, डी चॉकलेट को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंडा को। आपका अगला सवाल है, कौन सा पक्षी नशा करने का शौकीन होता है? आपका ऑप्शन है ए कबूतर, बी कोयल, सी बाज, डी तोता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तोता। आपका अगला सवाल है, आसमान में उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी अफ्रीका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका में। आपका अगला सवाल है, ज्यादा अंगूर खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए बुखार, बी दस्त, सी चेचक, डी सर्दी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दस्त। आपका 11वां सवाल है, कौन सा पक्षी रात को भी देख सकता है? आपके विकल्प है ए बाज, बी तोता, सी उल्लू, डी कौवा।
आपका सही विकल्प है सी उल्लू। आपका 12वां सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर बना है? आपके विकल्प है ए चिलका झील, बी लोकताक झील, सी डल झील, डी वुलर झील। आपका सही विकल्प है सी डल झील। आपका 13वां सवाल है, कौन सा जानवर भूख लगने पर खुद के शरीर को खा सकता है? आपके विकल्प है ए खरगोश, बी चूहा, सी मगरमच्छ, डी हिरण। आपका सही उत्तर होगा बी चूहा। आपका 14वां सवाल है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपके विकल्प है ए बुध ग्रह, बी प्लूटो ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही उत्तर होगा डी शुक्र ग्रह। आपका अगला सवाल है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को उतार देता है? आपका ऑप्शन है ए केला का, बी सेब का, सी कटहल का, डी इमली का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इमली का। आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उत्तराखंड में, सी बिहार में, डी कर्नाटक में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल में। आपका अगला सवाल है, BMW किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के घर में दरवाजे नहीं होते हैं? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। आपका 5वां सवाल है, फूलों की रानी किस फूल को कहा जाता है? आपके विकल्प है ए कमल, बी गुलाब, सी चंपा, डी चमेली। आपका सही विकल्प है डी चमेली। सामान्य ज्ञान की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य रखें। आपका 6वां सवाल है, गरीबों की गाय किसे माना जाता है? आपके विकल्प है ए भेड़ को, बी बकरी को, सी ऊंट को, डी गाय को। आपका सही उत्तर होगा बी बकरी को। आपका 7वां सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता रहता है? आपके विकल्प है ए 20 साल तक, बी 25 साल तक, सी 30 साल तक,
डी 40 साल तक। आपका सही विकल्प है बी 25 साल तक। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी देहरादून में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी क्या है? आपका ऑप्शन है ए बैंगन, बी टमाटर, सी आलू, डी भिंडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आलू। आपका अगला सवाल है, किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं? आपका ऑप्शन है ए इथोपिया, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इथोपिया। फाइव जी लंच करने वाला पहला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी आइसलैंड, सी इंडोनेशिया, डी साउथ कोरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य को, बी चांद को, सी पृथ्वी को, डी जुपिटर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य को। आपका अगला सवाल है, किस राज्य को एशिया का अंडे का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, सफेद जिराफ किस देश में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए भूटान में, बी न्यूजीलैंड में, सी केन्या में, डी पाकिस्तान में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केन्या में। आपका अगला सवाल है, वह कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन सकती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्टोपस, बी शार्क, सी चींटी, डी तितली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस। आपका 16वां सवाल है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपके विकल्प है ए बहाना करना, बी पीछे पड़ना, सी चकित करना, डी शॉक करना। आपका सही उत्तर होगा सी चकित करना। आपका 17वां सवाल है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? आपके विकल्प है ए इंग्लैंड देश में, बी भारत देश में, सी अमेरिका देश में, डी रूस देश में। आपका सही विकल्प है ए इंग्लैंड देश में। आपका 18वां सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? आपके विकल्प है ए चमेली का, बी
गुलाब का, सी कमल का, डी नागपुष्प का। आपका सही विकल्प है डी नागपुष्प का। आपका 19वां सवाल है, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? आपके विकल्प है ए कब्ज, बी किडनी, सी कैंसर, डी जोड़ों का दर्द। आपका सही विकल्प है डी जोड़ों का दर्द। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपके विकल्प है ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। इस सवाल का सही विकल्प आप सभी लोग कमेंट में बताइए।